गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज 31 जुलाई 2023, एक क्विक रिकैप अबाउट द डिफरेंट करेंसी पेयर्स। डॉलर इंडेक्स एट 101.74, सम कंसोलिडेशन इज एक्सपेक्टेड। एक्चुअली क्या हुआ है, लास्ट वीक में आपका एफओएमसी डिसीजंस था, फॉलोड बाय योर Q2 GDP डेटा जो काफी बेटर आया था, फॉलोड बाय आपका PCE इन्फ्लेशन डेटा। तो इस हफ्ते में हमें देखना है कि आपका जितना भी इकोनॉमिक डेटेज है, इंक्लूडिंग द जॉबलेस क्लेम्स, बट द मेन इंपॉर्टेंस इज द एनएपी एनएपी डेटा। क्या एनएपी डेटा मीन्स आपका जो पिछले हफ्ते का जो डेटा है उसको सपोर्ट करता है या नहीं। इन सच केस अगर सपोर्ट करता है तो डॉलर इंडेक्स और भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। एज ऑफ नाउ द मेजर हर्डल इज आपका 102.00। क्या ये 102 के ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाता है या यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है, दैट वी नीड टू चेक। डॉलर रुपी अभी है आपका 82.22। दैट बीइंग द केस, यहाँ पे हमें जो फॉल्स ब्रेकडाउन के बाद ऊपर आया है, ऊपर मतलब ये जो ट्रायंगल है, डेली आपका जो ट्रायंगल के अंदर में वापस चला आया। दैट बीइंग द केस, देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज कि डॉलर रुपी में हेड टुवर्ड्स 82.60, 82.65 स्पॉट बेसिस पे। क्या ये, इसके लिए हमें लोअर लेवल पे प्राइस एक्शंस का देखना है, हायर हाई हायर लो फॉर्मेशंस हो रहा है या नहीं। जीबीपी डॉलर में अभी है 1.2855। तो जैसे कि फ्राइडे का जो कैंडल है वो आपका थर्सडे का कैंडल को सपोर्ट ही नहीं किया, मींस फॉलो थ्रू नहीं दैट मीन द केस। अभी हमें इंतजार करना है, ये जो फ्राइडे का लो है इसके नीचे अगर जाता है, क्लोज देता है, देन एंड ओनली देन थोड़ा वीकनेस हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अदरवाइज अगर ऊपर की तरफ रहता तो थोड़ा चौपीनेस बरकरार हो सकता है। जीबीपी आईएनआर में भी सिमिलरली ये जो फ्राइडे का कैंडल है वो थर्सडे के कैंडल को सपोर्ट नहीं किया, व्हाट इट मींस फॉलो थ्रू नहीं दिया। अगर नेगेटिव कैंडल के साथ फॉलो थ्रू देता है, इन सच ए केस एक फर्दर सॉफ्टनेस हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते थे। लेकिन आपका अभी थोड़ा सा ये 105.68 पे है, दैट बीइंग द केस थोड़ा सा चौपीनेस बरकरार हो सकता है, और जैसे ही फ्राइडे के लो के नीचे क्लोज देगा, इन सच केस थोड़ा सा वीकनेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली इन यूरो डॉलर ऑल्सो सेम, फ्राइडे के लो के नीचे थोड़ा वीकनेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज सम चौपीनेस इज एक्सपेक्टेड। यूरो आईएनआर पे भी सिमिलर कैलकुलेशन है, फ्राइडे के लो के नीचे वीकनेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज चौपीनेस बरकरार रह सकते हैं। डॉलर येन अभी है 141.67। तो अभी हमारा जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो है 142। 142 के ऊपर थोड़ा सा मींस डॉलर में स्ट्रेंथ देख सकते हैं अगेंस्ट येन। एंड ये हमें थोड़ा सा और देखना है आरएसआई टर्म्स में, अभी करेंटली एट 54। ये आरएसआई 60 में जाने के बाद क्या रेस्पेक्ट करता है या फर्दर तोड़ फोड़ के ऊपर की तरफ जाता है, ये हमें देखना पड़ेगा। ये एन आईएनआर पे वीकनेस थोड़ा सा है। अभी आपका इमीडिएट जो सपोर्ट है ये है 24 जुलाई के लो का, जो लो है दैट इज द सपोर्ट, उसके लो के नीचे फर्दर हम मींस वीकनेस यहां पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डॉलर कैंडी पे, डॉलर कैंडी 1.3250 पे है, यहां पे कंसोलिडेशन के बाद ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन अभी भी साइडवेज मूव ही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जब तक एक ट्रेंडेड बिहेवियर चालू ना कर दे। ऑसी डॉलर में आपका फ्राइडे का जो लो था आपका 0.6625, उसके बाद आज थोड़ा सा मींस फ्राइडे के प्राइस एक्शन के अगेंस्ट में थोड़ा सा अगेंस्ट बिहेव करके थोड़ा सा ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है। थोड़ा यहाँ पे अभी रेंज में आपका क्या रेंज है, 0.6575 एंड 68, इसके रेंज में ही थोड़ा सा इसको प्ले अराउंड करना चाहिए। सीएनएच अभी है 7.1339, तो जब तक ये आपका थर्सडे के लो के नीचे क्लोज नहीं दे देता है, थर्सडे के लो एंड 14 जुलाई का लो, सो दैट मीन द केस थर्ड थर्सडे का लो, 27 जुलाई का लो इज लोअर, सो इन सच ए केस इसके लो के नीचे हम सॉफ्टनेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे काफी इंटरवेंशन हो रहा है बाय पीबीओसी, तो यहाँ पे थोड़ा सा और टाइम देना चाहिए। यूके ऑयल आपका 83.97 कल जहाँ पे क्लोज दिया था, कल बोले थे फ्राइडे को जहाँ पे क्लोज दिया उसके नीचे थोड़ा सा सॉफ्ट हो रहा है, थोड़ा पुल बैक में यहाँ पे बाइंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यूएस टेन 3.983, फ्राइडे का जो लोअर थोड़ा सा मीन्स सॉफ्ट क्लोजर दिया था, अभी गैप अप ओपन देखे 3.98 में है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम पास करने देते हैं, बिकॉज एनएपी डेटा हमें देखना है जो फ्राइडे को आने वाला है, उसके बाद फिर सीपीआई डेटा देखेंगे, मींस इट्स अ साइकिल। जब तक कुछ ठोस कुछ होता नहीं है तब तक यही है,
एक डाटा आएगा, स्ट्रेंथ दिखाएगा, दूसरा डाटा आएगा थोड़ा वीकनेस या कॉन्फ्यूशन क्रिएट करेगा, यही बरकरार रहेगा जब तक ट्रेंडेड मूवी नहीं आता है। यूएस टू ट्रेजर भी सिमिलरली क्लोजिंग से, फ्राइडे के क्लोजिंग से थोड़ा ऊपर आ चुका है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं, साइडवेज कंसोलिडेशन, साइडवेज ही मूवमेंट होगा। जब तक अगर नीचे देखना है तो ये ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज देना पड़ेगा। तो करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस अभी के लिए इतना, आशा करते हैं ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा। इफ सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अमंग योर फ्रेंड्स सर्कल। ऑल्सो दोज हु हैव नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल, रिक्वेस्ट ऑल टू सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।